हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजी सिंह और ये अपना चैनल क्लब आईएसएस स्टूडेंट। अगर आप लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मुझसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ पर उन लिंक्स पर क्लिक करिए तो सिंपली आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत लोगों के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए, तो अगर आप लोग स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम से स्पेशली जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मेरा एक चैनल है क्लब आईएसएस स्टूडेंट, वहाँ पर सभी तरह का आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ओके, अभी तक हमारे चैनल पर दो सीरीज चल रही थी, एक इकोनॉमिक्स और एक ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम लोग माजिद हुसैन कवर कर रहे थे, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी में जियो मॉर्फोलॉजी हमारा कम्प्लीट हो चुका है और क्लाइमेटोलॉजी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो जा करके देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है और कैसे फिजिकल ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करना है। पीटी और मेंस दोनों के लिए हम लोगों ने कवर किया है। ओके फ्रेंड्स, उन दो सीरीज़ के अलावा हम लोगों ने एक और सीरीज स्टार्ट की है, स्पेशल सीरीज का नाम है दोस्तों। इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करेंगे उन्हें वन बाई वन कवर किया करेंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, स्पेशल सीरीज का पार्ट वन है। इसमें हम लोग देखेंगे जितनी भी अभी तक हमारी पंचवर्षीय योजनाएँ आई हैं उन सभी के बारे में, यानी कि जो भारत में नियोजन का इतिहास क्या रहा है। और मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू सुनाऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा और आप इसको ज़्यादा बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भारत नियोजन। ओके, भारत नियोजन में हम इसकी हिस्ट्री से लेकर के वर्तमान स्थिति देखेंगे। हिस्ट्री में दोस्तों, जब वैश्विक लेवल पर एक टाइम ऐसा आया था आज़ादी से पहले, वैश्विक लेवल पर आर्थिक मंदी यानी कि इकोनॉमिक स्लो डाउन आया था, वहाँ से लेकर के वर्तमान तक की जितनी भी अभी पंचवर्षीय योजनाएँ, 12 पंचवर्षीय योजनाएँ लागू की गई हैं उन सभी के बारे में हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे। और मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बताऊंगा जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप क्वेश्चन लगाइए, इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। और इसको देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, आप खुद महसूस करेंगे कि आपको 700 से 800 ऐसे फैक्ट याद हो जाएंगे जो एक स्टोरी के थ्रू आपको कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर इसकी हिस्ट्री देखते हैं जो भारत में प्लानिंग हुई थी कि कैसे कैसे विकास आगे बढ़ा। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था दोस्तों, जब इकोनॉमिक स्लो डाउन का वक्त चल रहा था, आर्थिक मंदी, वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, तो उस समय जो हमारा देश, हमारा विश्व था वो दो भागों में बटा हुआ था। एक तरफ जो देश थे वो पूंजीवादी देश थे, दूसरी तरफ जो समाजवादी मॉडल पर आधारित देश थे जैसे कि रसिया। ओके, जिसके लिए हम जानते हैं USSR यानी कि सोवियत संघ के नाम से जानते हैं, यानी कि रसिया के साथ में और कुछ देश थे जिन्होंने संघ बनाया था जिसे सोवियत संघ के नाम से जानते हैं दोस्तों। तब क्या हुआ था, इस समय जो पूंजीवादी देश थे इनमें इकोनॉमिक स्लो डाउन की बहुत बुरी स्थिति चल रही थी, इनकी कंडीशन ठीक नहीं थी, ये विकास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी मॉडल पर आधारित जो USSR था ये बहुत अच्छे से विकास कर रहा था। जब ये विकास कर रहा था दोस्तों, तो ये समाजवादी मॉडल थोड़ा दोस्तों क्या होने लगा, लोकप्रिय होने लगा। ओके, अब इसी के साथ में क्या आया, रनाडे, ये बहुत ही प्रमुख नेता भी हैं दोस्तों, रनाडे और दादाभाई नौरोजी अपने समय के नेता भी रहे थे। इन्होंने कहा दोस्तों, अगर भारत के लिए कल्याण और विकास करना है, भारत के लिए अगर कल्याण और विकास करना है तो वो बाज़ार के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, उसे गवर्नमेंट के लिए इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, यानी कि सारी चीज़ें खुली नहीं रख सकता। ओके, तो अब इसके बाद दोबारा से इसको दोस्तों बात की गई, इसमें चैलेंजेस आए। 1934 में फिर एम विश्वेश्वरैया आए दोस्तों, इन्होंने एक संकल्पना दी और इसी संकल्पना को इन्होंने अपनी बुक में लिखा था, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया है, इन्होंने इसमें बताया कि अगर भारत के लिए अपना विकास करना है तो इसके लिए उन्हें भारत के लिए अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास करना होगा और जो श्रम है, श्रम को ट्रांसफ़र करना होगा, कहाँ से, एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर, एग्रीकल्चर सेक्टर से ट्रांसफ़र करना होगा औद्योगिक क्षेत्र में दोस्तों। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उसमें एक अपनी लिमिटेशन होती है, उसमें हम कितने भी लोग लगा दें उत्पादन एक सीमा के बाद नहीं बढ़ता है। तो इसलिए कहा कि इन लोगों को अगर रोज़गार देना है, अगर इन्हें अच्छा जीवन देना है तो इन लोगों के लिए ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, कहाँ, औद्योगिक क्षेत्र में। और इसी में जो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसमें लक्ष्य रखा गया था कि एक दशक में नेशनल इनकम को दुगना कर देना है। एक दशक का मतलब 10 साल, 10 साल में नेशनल इनकम में यानी कि राष्ट्रीय आय है उसको दुगना कर देना। अब राष्ट्रीय आय NNP GDP क्या होती है, आप इकोनॉमी के सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, हमारी एक प्लेलिस्ट पड़ी है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अब देखिए,
1938 का समय आया। 1938 के समय आप यहाँ पर देख सकते हैं 1885 में कांग्रेस थी दोस्तों, वो अस्तित्व में आ चुकी थी। तो इसके बाद 1938 में अब हम लोग देखते हैं, 1938 में जब कांग्रेस थी दोस्तों, इसमें सर्वांगीण विकास था इसके लिए योजना बनाने की बात की दोस्तों। तो सर्वांगीण विकास के लिए एक सम्मेलन हुआ, हरिपुरा सम्मेलन दोस्तों। हरिपुरा सम्मेलन है, इसमें एक समिति का गठन किया गया, कौन सी, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। इसी समिति ने एक योजना दी, इसी को नाम दिया गया कांग्रेस योजना का नाम दिया गया दोस्तों। ओके, तो कांग्रेस योजना का संबंध किससे है, राष्ट्रीय योजना समिति का। और राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कहाँ किया गया था, हरिपुरा सम्मेलन हुआ था इसी में इसका गठन किया गया था। और हरिपुरा सम्मेलन दोस्तों ये काफ़ी बार पूछा गया है, जो हरिपुरा सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी नेहरू जी ने दोस्तों। ओके, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, नेहरू जी ने की थी। अब देखिए आगे समय आया 1944 से 1945, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम हो जाता है दोस्तों। ओके, इस समय 1944 से 1945 का समय, इस समय क्या होता है दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध होता है, वो चल रहा होता है और समाप्त होने की स्थिति में आ जाता है दोस्तों। ओके, अब इसी समय 8 उद्योगपति जो भारत के, कहाँ के, भारत के 8 उद्योगपति होते हैं, प्रमुख उद्योगपति होते हैं, वो मिलते हैं, आपस में मिलते हैं और एक सम्मेलन करते हैं छोटा सा। उसमें वो कहते हैं भारत को, अगर भारत के आर्थिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन लोगों ने, 8 लोगों ने, 8 उद्योगपति थे, इन्होंने एक योजना बनाई, एक योजना तैयार की। इसी योजना को नाम दिया गया बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान का संबंध किससे है, जो 8 उद्योगपति थे इन्होंने जो योजना बनाई थी उसी को बॉम्बे प्लान का नाम दिया गया, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों। और इस बॉम्बे प्लान में लक्ष्य रखा गया कि 15 साल में, 15 ईयर में दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, यानी दुगना करने का मतलब 65 रुपये उस समय अगर प्रति व्यक्ति आय थी तो उसको बढ़ा करके 130 रुपये करना। ओके, और साथ में इसी समय और भी लोग थे जिन्होंने योजना बनाई दोस्तों। 1944 में श्री नारायण जी थे, इन्होंने भी एक अपनी योजना दी, इस योजना को गांधी योजना नाम दिया दोस्तों। इस बात को ध्यान रखना है, गांधी योजना आ जाता है तो लोग उसमें ऑप्शन में गांधी जी दिया रखा होता है तो बहुत जल्दी टिक लगा देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि गांधी योजना नाम है तो गांधी जी ने ही दी होगी। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस योजना किसने दी, श्री नारायण जी ने दी, जिसका नाम गांधी योजना है दोस्तों। अब 1950 में जय प्रकाश जी थे, जय प्रकाश जी ने भी एक योजना दी, तो इसे सर्वोदय प्लान के नाम से जानते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, गांधी योजना, बॉम्बे प्लान, कांग्रेस योजना, ये सभी किसने दी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और काफ़ी बार ये सभी एग्जामों में पूछा जाता है, साथ में आप इसे जब मेंस की या फिर आप ऐसे लिखते हैं तो वहाँ पर भी एग्जाम्पल के थ्रू इसको दे सकते हैं, तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे दोस्तों। ओके, आप देखिए 15 मार्च 1950 का समय आ गया, इस समय हमारा देश क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो गवर्नमेंट के लिए देश का विकास करना था सबसे बड़ी चुनौती थी, इसके लिए उन्होंने योजना बनाई और इसमें नियोजन को अपनाया गया। तो वो कौन सा नियोजन था, मिश्रित नियोजन था, यानी कि इसमें मिश्रित नियोजन के मतलब क्या था, इसमें कई सारे मॉडल थे जैसे पूंजीवादी, समाजवादी, इन सभी मॉडल को मिला करके नियोजन की प्रक्रिया अपनाएगी दोस्तों। तो मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव था, इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया और इसी प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग का गठन हुआ दोस्तों। और यही योजना आयोग अभी कुछ समय पहले तक योजना आयोग यही कार्यरत था और इसने अभी तक 64 वर्षों तक कार्य किया। साथ में इसने 12 पंचवर्षीय योजनाएं लाई। इसे पंचवर्षीय योजना क्यों कहते हैं, क्योंकि एक पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 5 ईयर होता था, इसीलिए इसको पंचवर्षीय योजना का नाम दिया गया दोस्तों। ओके, तो योजना आयोग ने अभी तक कितनी टोटल योजनाएं लागू की थी, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की, तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की दोस्तों। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर आप जानते हैं दोस्तों बीजेपी की सरकार आ गई। जब बीजेपी की सरकार आ गई तो इन्होंने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया और कहा 2017 से नीति आयोग की अब नीतियाँ बनाएगी। ओके, और नीति आयोग की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इस फुल फॉर्म को आपको याद में रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात आती है कि जब हमारे पास ऑलरेडी योजना आयोग था तो इसको ख़त्म क्यों कर दिया गया, नीति आयोग को लाने का क्या उद्देश्य था। तो इसमें दोस्तों उद्देश्य तो इसके काफ़ी सारे हैं। इसमें इसे कहा गया कि अधिक व्यवहारिक हमें बनाना है तो इसलिए हम नीति आयोग ला रहे हैं, हमें अधिक समावेशी बनाना है इसीलिए
हम नीति आयोग ला रहे हैं, साथ में विश्व स्तर पर उठाना है। और इसमें क्या था, नीति आयोग था दोस्तों, इसमें राज्यों की भी जो प्रांत हैं, स्टेट हैं, स्टेट गवर्नमेंट की भी भागीदारी को बढ़ाया गया, लेकिन योजना आयोग में पार्टिसिपेशन जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनका पार्टिसिपेशन नहीं था। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात है, नीति आयोग में स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें शामिल किया गया दोस्तों। ओके, लेकिन योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, दोनों का उद्देश्य तो दोस्तों सेम ही था, सामाजिक आर्थिक विकास करना और जो भी इससे रिलेटेड जो भी चुनौतियाँ हैं उनको ख़त्म करना, संसाधन है उनका समुचित उपयोग करना, जीवन स्तर को उठाना, रोजगार को दोस्तों अधिक रोजगारों का सृजन करना, साथ में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना दोस्तों। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, जो एक एक करके हम सारी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना है दोस्तों हमारी जो आई थी 1951 में, तो यही आपको ध्यान रखना है 1951, इसमें 5 ऐड कर दीजिए तो इसका टाइम पीरियड आपको पता चल जाएगा। 1951 में 5 जोड़ेंगे तो 1956 हो जाएगा, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1951 से 56 था दोस्तों। और देखिए अब यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, 1951 ये टाइम पीरियड आप देखिए दोस्तों, 1951 के समय हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था, हमारे देश के सामने बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे कि हमारा देश नया नया स्वतंत्र हुआ था, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, आप जानते हैं दोस्तों हमारा अनाज बहुत कम था, अनाज हमारे पास बहुत कम था, लोगों के पास खाने के लिए ज़्यादा अनाज नहीं था, और इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई था, बेरोजगारी अधिक थी, लोग थे वो ज़्यादा गरीब थे। ओके, शरणार्थियों की समस्या थी, ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट के सामने चैलेंजेस थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे पास बहुत बड़ी जनसंख्या थी, खाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे, गवर्नमेंट के पास इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे, हमारे पास संसाधनों की कमी थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उसने एग्रीकल्चर को फोकस किया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर आप अपने ऊपर भी अप्लाई करेंगे तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि सबसे पहले आप क्या सोचेंगे, आपके पास कुछ नहीं है, आप सबसे पहले सोचेंगे कम से कम खाने को मिल जाए फिर मैं आगे की बात सोचूंगा। तो गवर्नमेंट ने भी ऐसा सोचा, लोगों के लिए पहले हम अपने जो देश की जनता है उसके लिए खाद जो अनाज है उसकी पूर्ति तो कर सकें, जिससे लोग खाएंगे पिएंगे, फिर रहने की व्यवस्था की जाएगी, फिर उसके बाद और भी हम चीज़ें देखेंगे। तो लोग खाएंगे क्या, अनाज खाएंगे, अनाज कहाँ से आएगा, कृषि से आएगा, तो इसीलिए कृषि विकास के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट का पास पैसा भी नहीं था और कृषि में वो विकास कर सकती थी, तो एक संभावना थी, तो एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया। साथ में जो असंतुलन था दोस्तों उसको ख़त्म करने की बात की गई, और मिनिमम टाइम में, कम से कम टाइम में फूड सेफ्टी की बात की गई दोस्तों। फूड सेफ्टी का मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। फूड सेफ्टी का मतलब है, जैसे कि पहले बात आप समझ लीजिए, जैसे कि 100 लोग हैं दोस्तों, मान लेते हैं हमारे देश में 100 लोग हैं, इन 100 लोगों के लिए एक साल में 100 केजी अनाज की ज़रूरत पड़ती है। अगर इन 100 लोगों के लिए इसके 100 केजी अनाज की पूर्ति हो जाती तो हम इसे कहेंगे कि ये लोग सुरक्षित हैं, खाद्य सुरक्षा इसी को बोलेंगे। ओके, अब खाद्य सुरक्षा में दो वर्ड आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक वर्ड आता है फूड सेफ्टी, एक वर्ड आता है फूड सेफ्टी, और दूसरा वर्ड होता है फूड सिक्योरिटी, एक दूसरा वर्ड होता है फूड सिक्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप वोकैब नहीं जानते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं क्योंकि आप वोकैब ठीक से समझ नहीं पाते हैं। अब दोस्तों फूड सेफ्टी का मतलब क्या है, फूड सेफ्टी का मतलब है कि इन 100 लोग हैं और इन्हें 100 लोगों के लिए अनाज की 100 केजी अनाज की ज़रूरत है, तो इन्हें अगर ये 100 केजी फूड की अगर सप्लाई हो जाती है तो ये दोस्तों क्या होंगे, इनकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन क्या हो दोस्तों, हमारा जो घरेलू उत्पादन हो, हमारी कृषि के द्वारा जो उत्पादन हो रहा है वो 80 केजी हो रहा है दोस्तों। ओके, और 20 केजी की कमी पड़ रही है, 100 केजी में से 80 केजी था वो हमारे घरेलू जो उत्पादन हो रहा था उससे पूर्ति होगी, लेकिन 20 केजी था एक गवर्नमेंट ने दूसरे देशों से मंगा करके इसकी पूर्ति कर दी, तो टोटल कितना हो गया, 100 केजी हो गया। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, फूड सेफ्टी बोलेंगे। ओके, लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, इस 100 केजी अगर डिमांड है तो इस 100 केजी के पूरा 100 केजी हमें घरेलू उत्पादन करके ही, अगर हम 100 केजी का अपने घरेलू कृषि से उत्पादन करके इसकी पूर्ति करें तब हम इसे फूड सिक्योरिटी बोलेंगे, यानी कि इसमें आत्मनिर्भरता की बात है, हम दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, दूसरे के देश के ऊपर निर्भर नहीं है। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है, हम किसी देश के ऊपर निर्भर नहीं है, हम 100 केजी उत्पादन खुद कर रहे हैं
और खुद 100 kg उत्पादन करके अपने देश की जो जनता है उसकी पूर्ति मांग है उसकी पूर्ति कर दे रहे हैं। तो इसके लिए फूड सिक्योरिटी बोलेंगे। और सेफ्टी का मतलब है ये 100 kg पूर्ति होनी चाहिए, चाहे कहीं से भी हो, चाहे हम पूरा कितना भी है दोस्तों, चाहे दूसरे देश से मंगा के करें, अपने यहाँ से उत्पादन करें या फिर कैसे भी करें, ये 100 kg की पूर्ति होनी चाहिए, तो इसे सेफ्टी बोलेंगे। लेकिन सिक्योरिटी में एक मेन बात होती है, 100 kg का 100 kg है वो पूरा घरेलू होना चाहिए, घरेलू उत्पादन के द्वारा ही डिमांड की पूर्ति होनी चाहिए, तो इसे फूड सिक्योरिटी कहेंगे। तो गवर्नमेंट ने पहले सोचा कि भाई हम अपने लोगों का पेट तो भर दें, चाहे 20 kg हम कहीं से भी लेके आएँ, दूसरे देश से लेके आएँ, कहीं से मूल लें या फिर उधार लें, कहीं से कैसे भी लें। पहले गवर्नमेंट ने सोचा कि हम पहले सेफ्टी तो कर लें, लोगों का पेट तो भर दें, फिर हम बात करेंगे आत्मनिर्भरता की, हम फिर अपना उत्पादन बढ़ाएंगे, कृषि से उत्पादन बढ़ाएंगे और फिर फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो यही बेसिक डिफरेंस है फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी में। सेफ्टी होती है उसमें पूर्ति होनी चाहिए, जितनी मांग है उसकी पूर्ति होनी चाहिए, वो पूर्ति कहीं से भी हो, किसी भी देश से हो। लेकिन सिक्योरिटी में क्या है, ये पूर्ति होनी चाहिए वो अपने देश से ही होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले हमने फूड सेफ्टी की बात की, लेकिन बाद में आप देखेंगे आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे फिर आत्मनिर्भरता की बात होने लगी, कि फूड सिक्योरिटी की बात होने लगी, कि हम सिक्योर हो जाएं, हम जितना उत्पादन कर रहे हैं हम उसका उपभोग भी कर ले रहे हैं, साथ में उसका निर्यात भी कर दे रहे हैं। अब हम ना केवल 100 kg उत्पादन कर रहे हैं, अब हम 150 kg उत्पादन कर रहे हैं, तो 100 kg हम खुद उपभोग कर ले रहे हैं, हमारी जनता उपभोग कर ले रही है, और 50 kg हम उसका दोस्तों एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। ओके, तो इसका यही मतलब हुआ। और साथ में इसमें कहा था कि जो हमारे लघु और कुटीर उद्योग थे, जैसे कि हम जानते हैं उपनिवेश काल में जो ब्रिटिश लोग थे, इन्होंने हमारे जो कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे फुटलूज उद्योग थे, उनको ख़त्म कर दिया था। इन कुटीर उद्योगों की पुनर्स्थापना की बात की गई, जैसे कि छोटे छोटे कपड़ा उद्योग होते हैं, हाथ के द्वारा जो भी कारीगरी की जाती है उनको दोबारा से स्थापित करने की बात की गई, जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके। दोस्तों रोज़गार मिलेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, वो खर्च करेंगे तो देश में विकास होगा। ओके, और अगर बात की जाए पहला दोस्तों जो मॉडल है, वो जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो वो दोस्तों हेरोल्ड डोमर एक मॉडल है दोस्तों, उस पर आधारित थी। हेरोल्ड डोमर का जो समृद्धि मॉडल है उस पर आधारित थी। तो ये बहुत बार पूछा गया कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित है, तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। और ओके, अब इसी में दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी चलाया गया था, राष्ट्रीय प्रसार सेवा भी दोस्तों इसमें स्टार्ट की गई थी, और इसमें लक्ष्य रखा गया था दोस्तों कि हमारी जो दोस्तों नेशनल इनकम है वो 2.1 यानी कि लक्ष्य रखा गया था 2.1 हमें अचीव करनी है, लेकिन हमने इससे ज़्यादा अचीव कर दी। हमारी राष्ट्रीय आय जब हमने 5 वर्षों के बाद जब हमने देखी दोस्तों तो 3.6 हमने अचीव की। ओके, ये लक्ष्य हमने प्राप्त किया, तो हमने ये लक्ष्य प्राप्त किया तो लगभग में ये जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये सफल रही। इसमें हमने पहले जो लक्ष्य था वो छोटा ही रखा, क्योंकि दोस्तों पहली बार जब कोई गवर्नमेंट पहली बार अस्तित्व में आई थी तो उसने छोटा लक्ष्य रखा कि हम इसे कम से कम अचीव तो कर लें, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए अब हम अपने सेकंड की ओर चलते हैं, जो हमारी सेकंड पंचवर्षीय योजना है दोस्तों। इस समय क्या हुआ था, पहली पंचवर्षीय योजना थी, गवर्नमेंट ने 5 वर्षों के लिए एग्रीकल्चर पर फोकस किया, तब गवर्नमेंट ने सोचा कि हम केवल एग्रीकल्चर पर रह करके देश का विकास नहीं कर सकते, तो उसने सोचा कि हमें कम से कम बेसिक जो इंडस्ट्री है उनका तो स्थापना करनी चाहिए, बेसिक इंडस्ट्री और साथ में हैवी इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री कौन सी होती है दोस्तों, जैसे कि लोहा उद्योग, सीमेंट उद्योग, जो और उद्योगों के लिए दोस्तों एक ढांचा का काम करती हैं, कच्चे माल का काम करती हैं, ऐसी इंडस्ट्री को लगाने की बात की गई थी। और दोस्तों जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, इसका टाइम पीरियड 1956 से 61 के बीच में है दोस्तों। ये टाइम ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और टाइम आपको याद भी नहीं करना है, आपको सारे याद हो जाएंगे। मैं अभी लास्ट में बता दूंगा कि आपको टाइम कैसे याद करना है। ओके, अब जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों वो समाजवादी मॉडल पर आधारित थी। ओके, समाजवादी व्यवस्था को बढ़ाया इसने। ओके, साथ में इसमें लक्ष्य रखा गया था कि जो नेशनल इनकम है वो 25% की दर से वृद्धि होनी चाहिए। जो नेशनल इनकम जितनी है हमारी, उसमें प्रतिवर्ष 25% की हमको वृद्धि करनी है दोस्तों। साथ में इसमें कहा गया था जो हैवी इंडस्ट्री है
उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है, ज़्यादा से ज़्यादा नई हैवी इंडस्ट्री लगानी है। साथ में इसमें लक्ष्य रखा गया था कि रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा सृजन करने, रोजगार सृजन होंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो पैसे खर्च करेंगे, जब पैसे खर्च करेंगे तो फिर से मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी दोस्तों तो इससे उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो फिर से मांग बढ़ेगी। तो इसलिए रोजगार की बात की गई क्योंकि उस समय बेरोजगारी बहुत बड़ी मात्रा में थी दोस्तों, क्योंकि जो हमारे जो कुटीर और लघु उद्योग थे उन्हें अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया था, इसीलिए बेरोजगारी बहुत बड़े स्तर पर थी। और साथ में कहा गया था जो धन है और आय है दोस्तों, इसकी असमानता को कम करना है। जैसे ऐसा नहीं है दोस्तों जो किसी की आय है दोस्तों वो 1 लाख है और किसी की 100 रुपये ही 1 साल की है दोस्तों, तो जो आय की असमानता और धन की असमानता है उसको ख़त्म करने की बात की गई थी इस मॉडल में, कौन सी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों, तो पीसी महल नोबिस थे उनके मॉडल पर आधारित थी। इनका इन्होंने एक मॉडल दिया था 4 क्षेत्रीय मॉडल दोस्तों। तो पहली वाली किस पर आधारित थी, जो हेरोल्ड ओमर थे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हेरोल्ड ओमर थे, इस मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो पीसी महान लोबिस थे इनके 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पर आधारित थी और दूसरी पर फोकस किया गया था हैवी इंडस्ट्री पर और रोजगार सृजन पर दोस्तों के। और इसमें लक्ष्य रखा गया था कि नेशनल इनकम 4.5% हमको अचीव करनी है, लेकिन हम लोगों ने अचीव की थी 4.21, यानी कि ये थोड़ी सी जितना हमने लक्ष्य रखा था उससे थोड़ी कम हमने प्राप्त की, तो इसीलिए कहते हैं अंशतः सफल हुई। ओके, और दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही क्योंकि हमने इसमें बात की थी कि हैवी इंडस्ट्री की स्थापना करनी थी और जो बेसिक इंडस्ट्री थी उनकी, तो इसी के तहत दोस्तों राउरकेला उड़ीसा में इस्पात उद्योग की स्थापना हुई, जो भिलाई थी दोस्तों यहाँ पर और दुर्गपुर दोस्तों यहाँ पर क्या इस्पात उद्योग का, इस्पात और सीमेंट उद्योग थे दोस्तों उनकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों इसका टाइम पीरियड है 1961 से 66 के बीच में। ओके, अगर इसी समय हम बात करें दोस्तों, हम अगर अपने हिस्ट्री भी देखते जाएं साथ में, तो इसी समय क्या हुआ था, इससे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं फिर मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊँगा जिससे आगे कनेक्टिविटी बन पाएगी। देखिए दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि पर फोकस किया, दूसरी में हैवी इंडस्ट्री पर, लेकिन जब हमने हैवी इंडस्ट्री पर फोकस किया तो हम गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि हम केवल हैवी इंडस्ट्री, अगर हम कृषि को छोड़ देंगे तो हम विकास नहीं कर सकते, क्योंकि हैवी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है इनके लिए पैसे की, धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, मनी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो गवर्नमेंट के पास उस टाइम तो ज़्यादा मनी थी नहीं। दूसरा, हैवी इंडस्ट्री में ज़्यादा रोजगार सृजन नहीं हो पा रहे थे, तो इसमें कहा गया गवर्नमेंट ने सोचा नहीं, हम कृषि को नहीं छोड़ना है, कृषि को हमें बढ़ाना है क्योंकि यही हमारे देश का एक अभी आधार है। ओके, तो इसमें फिर से कृषि पर फोकस किया गया, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसमें फिर से कृषि पर फोकस किया गया। और इसमें दोस्तों बाद में जो हमारी इंडियन इकॉनमी है उसमें आत्मनिर्भरता की बात की गई और कहा गया कि हमें अपनी इकॉनमी ऐसे बनानी है कि ये स्वतः मतलब फले फूले, मतलब विकास हो, स्वतः इसका विकास हो, कि इसमें किसी की ज़रूरत ना पड़े कि हमें बार बार पैसे निवेश करने या फिर अपनी योजनाओं के द्वारा इसको उठाने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, और इसमें लक्ष्य रखे गए थे कुछ, सभी में जितनी पंचवर्षीय योजना होती है जब उन्हें बनाई जाती है तो कुछ लक्ष्य रखे जाते हैं दोस्तों, तो इसमें भी लक्ष्य रखा गया था कि जो नेशनल इनकम है दोस्तों उसमें 5% की वृद्धि करनी है प्रत्येक वर्ष। ओके, प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि होनी चाहिए। और इसमें फिर से फूड सेफ्टी की बात की गई क्योंकि हमने इसमें एग्रीकल्चर पर इसमें फोकस किया था तो फूड सेफ्टी आना ही आना था। और साथ में इसमें कहा गया था दोस्तों कि जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना है और उद्योग हैं दोस्तों उनको भी बढ़ाने, क्योंकि उद्योगों को भी हम इंडस्ट्री को भी नहीं छोड़ सकते ना, केवल हम एग्रीकल्चर पर ही हम विकास नहीं कर सकते और ना ही केवल हम उद्योगों पर कर सकते हैं, तो इसमें कहा गया था कि हमें उद्योगों के लिए भी बढ़ाते रहना है, उनका भी विकास करते रहना है। और उद्योगों का विकास किस सेक्टर में करना है कि एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारी एक स्ट्रेंथ है दोस्तों वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, उस समय भी थी आज भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि एग्रीकल्चर से अगर हम जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडस्ट्री हम डेवलप कर दें दोस्तों तो हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो इसमें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनका प्रसंस्करण करके हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो उसकी बात की गई।
एक्सपोर्ट की बात की कि जिससे हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, विदेशी मुद्रा आएगी, जिससे हमारे देश का विकास होगा दोस्तों। साथ में बुनियादी उद्योग हैं, इसको भी नहीं छोड़ा गया, कहा गया कि इसको भी भाई हल्के हल्के बढ़ाते रहना है, क्योंकि यही जो बुनियादी उद्योग होते हैं जी और उद्योगों का काम करते हैं दोस्तों, और उद्योगों के विकास का काम करते हैं। जैसे इस्पात होता है, इस्पात हर चीज़ में ज़रूरत पड़ेगी, अगर किसी भी उद्योग को लगाएंगे, घर बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, पुल बनाएंगे, तो इस्पात की तो ज़रूरत पड़ेगी। ईंधन कोयला, कोई भी चीज़ बना लीजिए उसमें आपको ईंधन कोयले की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो इस्पात हो गया, ईंधन और बिजली, ऐसे जो उद्योग होते हैं इन्हें बुनियादी उद्योग कहते हैं। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बुनियादी उद्योग किससे कहते हैं, तो बेसिक इंडस्ट्री कौन सी होती है, जैसे इस्पात हो गया, ईंधन हो गया, बिजली हो गया, ये सारी बेसिक इंडस्ट्री में आती हैं। और इसमें दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें इक्वलिटी की बात की, इक्वलिटी किसमें, अवसर में और आर्थिक विषमता है उसको उसमें हो गए। तो इक्वलिटी दो चीज़ों में बात की गई, एक अवसर है दोस्तों वो समान होने चाहिए सभी में, गरीब अमीर को बराबर बराबर अवसर मिलने चाहिए, और सभी चीज़ों की बात की गई दोस्तों। इसी तरह इसमें ह्यूमन रिसोर्स है उसका पूर्ण उपयोग, यानी कि जो हमारी दोस्तों लोग हैं उनकी पूर्ण क्षमता के प्रयोग की बात की गई, जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं, जनसंख्या हमारी बहुत ज़्यादा है, तो उस जनसंख्या की दोस्तों बात की गई कि हम इसका पूर्ण उपयोग करें तो हम सुपर पावर बन सकते हैं और ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों जब हमने देखा कि प्रथम मॉडल था हमारा वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, और दूसरा पीवी महानोब इस पर आधारित था। इसी तरह जो तीसरा किस पर आधारित था, तीसरा जो हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, ये किसी विशेष मॉडल पर आधारित नहीं थी। ये आपको बहुत ही विशेष चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये किसी विशेष मॉडल पर आधारित नहीं थी दोस्तों की। और इसमें लक्ष्य रखा गया था कि नेशनल इनकम में 5.6 इसमें लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हमें प्राप्त कितना हुआ, 2.7। अब लक्ष्य रखा गया था कि नेशनल इनकम इतनी, लेकिन हमें तो आधी ही प्राप्त हुई, ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? तो इसके लिए हमें इसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। ओके, मैं इसीलिए बोला था, मैं हिस्ट्री बाद में बताऊंगा जिससे आपको कनेक्टिविटी मिल पाएगी। इसी समय क्या हुआ था दोस्तों, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय टाइम ड्यूरेशन क्या है, 1961 से 1966 के बीच में। इसी समय 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। जब कोई भी दोस्तों युद्ध होता है उस समय देश के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा मनी खर्च होती है, बहुत सारे रिसोर्सेस भी लगते हैं, और जो गवर्नमेंट अच्छे से योजनाएं चलाती है वो भी नहीं चला पाती है। ओके, इसीलिए जो हमारी देश की इकोनॉमी थी वो काफ़ी कम हो गई थी। और 1965 में इसी समय ना केवल एक युद्ध हुआ था दोस्तों, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया तो फिर से गवर्नमेंट के लिए ज़रूरत पड़ी पैसे की, तो इससे भी क्या हुआ दोस्तों, हमारे विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। साथ में 1966 में सूखा भी पड़ गया, ये भी दोस्तों एक और समस्या आ गई। अभी तो युद्ध वाली समस्या थी, साथ में सूखा आ गई। जब सूखा आ गया तो कृषि क्षेत्र तो वैसे ही दोस्तों कम हो जाएगा, उत्पादन कम हो गया तो इससे क्या हुआ, जो हमारी राष्ट्रीय आय थी वो बहुत कम हो गई। तो यही रीज़न है जो राष्ट्रीय आय का बहुत कम होना, और साथ में जो मुद्रा था उसका अवमूल्यन हो गया दोस्तों। ओके, तो इसी समय क्या हुआ था दोस्तों, जब 1966 के बाद में 1961 से 1966 के बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना चलनी थी ना 1966 के बाद में, लेकिन क्या हुआ, आप इस गैप में देख सकते हैं 1966 से लेकर के 1969 तक दोस्तों यहाँ पर कोई भी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट नहीं की गई थी। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो कब स्टार्ट की गई थी, 1969 से लेकर के 74 के बीच में स्टार्ट की गई थी दोस्तों। ओके, तो एक क्यों नहीं स्टार्ट की गई इस समय, जो पंचवर्षीय योजना थी एक क्यों नहीं स्टार्ट की गई, जैसे कि आप समझ सकते हैं, जब ये सारी समस्याएं जब गवर्नमेंट के सामने आई तो गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं बचे। जब पैसे नहीं थे तो वो योजनाओं के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना, बजट आवंटन की ज़रूरत पड़ती है ना, तो बजट ही नहीं था, तो गवर्नमेंट ने पंचवर्षीय योजना स्टार्ट नहीं की, और 3 साल का जो था दोस्तों इसमें गैप कर दिया। इसी 3 साल के गैप को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। तो योजना अवकाश कब आया दोस्तों, पहला योजना अवकाश 1966 में आया था दोस्तों, 3 वर्षों के लिए। ओके, और साथ में इसी योजना आपका जो पहला था, और एक कितने वर्ष के लिए आया, 3 वर्ष के लिए। तो आप देख सकते हैं जो और किस किस के बीच में आया था, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में योजना अवकाश आया था, पहला योजना अवकाश। ओके, तो आपको ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, योजना अवकाश कब आया था
तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में प्रथम योजना आपका आया था, और ये क्यों आया था तो इसके जो रीजन्स हैं इनके बारे में हमने बात की थी कि हमारी गवर्नमेंट है उसके पास पैसे की कमी हो गई थी, बजट आवंटन के लिए पैसे नहीं थे दोस्तों। अब हम देखते हैं चौथी हमारी जो पंचवर्षीय योजना आई थी, वो हमारी जो चौथी पंचवर्षीय योजना जो चौथा फाइव ईयर प्लान था दोस्तों वो 1969 से 1974 के बीच में था दोस्तों। इसमें दोस्तों फिर से कृषि उत्पादन को बढ़ाने की बात की गई, एग्रीकल्चर को नहीं छोड़ा गया, और साथ में जो विदेशी सहायता है दोस्तों, विदेशी सहायता में जो दोस्तों अनिश्चितताएँ पाई जाती हैं उसको दूर करने की बात की गई। ओके, साथ में इसमें लक्ष्य रखे गए, जैसे इसमें फोकस किस पे किया गया, एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के ऊपर फोकस, विशेष फोकस किया गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। साथ में इसमें लक्ष्य रखे गए कि संतुलित विकास करना है। संतुलित विकास का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि हमारा एक दो साल तक तो विकास बहुत ज़्यादा हो गया, दो साल तक विकास बहुत ज़्यादा हो गया, फिर बाद में फिर से कम हो गया, फिर हमारा विकास बहुत हो गया, तो ऐसी है जो दोस्तों जो असंतुलन है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ में विकास ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन जो हमारी इंडस्ट्री है दोस्तों वो हमारी बहुत कम है। इसी तरह और जो उद्योग हैं और जो दोस्तों और चीज़ों में हम अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, तो संतुलित का मतलब यही हुआ कि सभी सेक्टर में सामाजिक आर्थिक सभी तरह से हमारा विकास अच्छे से होना चाहिए और ये सतत विकास होना चाहिए। साथ में इसमें बात की गई दोस्तों कि जैसे जो निम्न वर्ग है, उच्च वर्ग है, उन सभी का विकास अच्छे से होना चाहिए दोस्तों, तो इसी का मतलब है संतुलित विकास। ओके, साथ में इसमें दोस्तों जो पहले जैसे कि रखे गए थे, जो भी लक्ष्य रखे गए थे, जैसे फूड सेफ्टी, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, उद्योग को बढ़ाना, रोजगारों को बढ़ाना दोस्तों, वो सारे पहले की तरह इसमें भी दोस्तों लक्ष्य रखे गए। साथ में इसमें दोस्तों कहा गया था जीवन स्तर को उठाने की बात की गई थी, कौन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि जीवन स्तर को उठाने की बात। इसमें इक्वलिटी और सोशल जस्टिस में जुड़ गया, सामाजिक न्याय इसमें जुड़ गया, तो इम्पोर्टेंट क्या हो गया दोस्तों, सोशल जस्टिस, चौथी पंचवर्षीय योजना में सोशल जस्टिस की बात की गई। तो जब आप सोशल जस्टिस, जैसे दोस्तों सोशल इश्यूज पढ़ रहे होंगे, तो आप इस पंचवर्षीय योजना को दे सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। ओके, और इसमें लक्ष्य रखा गया था 5.7, इसमें रखा गया था 5.7 इसमें लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्त कितना हुआ, 2.05%। ओके, इस समय क्यों कम प्राप्त हुई, जैसे कि आप जान सकते हैं इससे पहले गवर्नमेंट के पास पैसे भी कम थे और काफ़ी समस्याएं इस वक्त चल रही थी दोस्तों, इसी वजह से। फ्रेंड, चौथी पंचवर्षीय योजना में एक बात इम्पोर्टेंट ऐड की गई थी, वो थी परिवार नियोजन। ये परिवार नियोजन गवर्नमेंट के लिए क्यों अपनाना पड़ा, जैसे कि दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ परिवार नियोजन के लाने के पीछे क्या कारण था, क्या मोटो था गवर्नमेंट का। जैसे कि गवर्नमेंट थी उस टाइम, मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, 50 लाख लोगों के लिए वो पर ईयर नए रोज़गार उत्पन्न कर रही थी। ओके, लेकिन क्या हो रहा था, जो हमारे देश की जनसंख्या है वो भी 50 लाख लोग और नए पैदा हो जा रहे थे, 50 लाख लोगों का और जन्म हो जा रहा था। ये 50 लाख लोग क्या थे, बेरोज़गार थे, इन लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, इन लोगों के लिए और फैसिलिटी नहीं थी। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 50 लाख रोज़गार थे वो उत्पन्न किए, लेकिन 50 लाख बेरोज़गार और आ गए। गवर्नमेंट ने इन 50 लाख लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था की, लेकिन 50 लाख और आ गए अब गवर्नमेंट के लिए, इन लोगों के लिए भी अनाज की आवश्यकता, जो अनाज की पूर्ति करनी थी। गवर्नमेंट ने 50 लाख ऐसे हॉस्पिटल बनाए जिससे कि हेल्थ फैसिलिटी मिल सके लोगों के लिए, लेकिन 50 लाख लोग और आ गए, तो इन लोगों के लिए भी हेल्थ फैसिलिटी के लिए काफ़ी खर्च करना पड़ा गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट के सामने सेम सिचुएशन बार बार आ जा रही थी, वो कह रही थी हम 50 लाख लोगों की व्यवस्था एक साल में कर पा रहे हैं, लेकिन 50 लाख लोग और आ जा रहे हैं, तो इस जो कंडीशन थी गवर्नमेंट के सामने वो बार बार सेम आ जा रही थी। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, हम 50 लाख लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था कर रहे हैं, 50 लाख लोग और आ जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई अब हमें परिवार नियोजन लाना पड़ेगा। मतलब परिवार नियोजन का क्या मतलब है कि मैनेज तरीके से अपनी जनसंख्या बढ़ाई जाए, अपना जो परिवार है, आपका जो परिवार है वो, ऐसा नहीं है आप 10 बच्चे या 20 बच्चे करिए, आप दो, हम दो, हमारे दो टाइप के ये परिवार नियोजन चलाएगा दोस्तों। और परिवार नियोजन जब चलाया गया, इस समय गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा परिवार नियोजन पर खर्च किया कि शायद आज अगर उतना पैसा किसी सिटी पर लगा दिया जाता तो एक हाईटेक सिटी बन जाती। आप लोगों ने दोस्तों अगर एक मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी
सांड की आंख एक सोशल इश्यूज पे बनी हुई मूवी है, काफ़ी अच्छी है, जो रियल स्टोरी बेस है, आप लोग देख सकते हैं। राजस्थान में औरतों के ऊपर दिखाई गई है, साथ में उसमें वो लोग शूटिंग करते हैं तो उनकी लड़की होती है, फिर वो इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलने के लिए जाती है और सिल्वर मेडल भी जीत के लाती है, तो उसी के ऊपर दिखाई गई वो स्टोरी आप ज़रूर जाके देखिए। उसी समय परवान नियोजन चलाया जा रहा था, जैसे कि नसबंदी और जो भी प्रोटेक्शन की जो यूजेस वाली चीज़ें थी, जैसे कि कॉन्डोम पिल्स और ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन क्या था, गवर्नमेंट इतना ज़्यादा खर्च कर रही थी, इतना ज़्यादा प्रचार कर रही थी, फिर भी लोग नहीं यूज़ कर रहे थे किसी भी चीज़ का, वो लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाते ही जा रहे थे। और आज यही इसी का परिणाम है कि हम लोगों की जनसंख्या आज भी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, ओके। और आज जनसंख्या विस्फोट का एक कारण बन रही है। उस समय क्या हुआ दोस्तों, लोगों के लिए गवर्नमेंट फ्री में कॉन्डोम बांट रही थी, फ्री में जो ऐसे प्रोटेक्शन वाली गोलियां थी सब कुछ दे रही थी, फ्री ऑपरेशन कर रही थी, फिर भी लोग नहीं कर रहे थे। क्या था, लोगों की मेंटेलिटी ऐसी बन गई थी, तो लोग अपनी जो विचारधारा है वो जल्दी चेंज नहीं करते हैं। और आज बहुत बड़ी विडंबना है दोस्तों कि अगर हम आज सेक्स टॉपिक, अगर सेक्स वर्ड का यूज़ कर लेते हैं तो लोग ऐसे घूर के देखते हैं जैसे उनके सामने कोई इंसानी हिटलर खड़ा हुआ हो। लेकिन और जो वो छुप छुप के काम करते हैं तो वो इतना ज़्यादा करते हैं, जिसका परिणाम ये है कि हमारी देश की जनसंख्या आप लोग जानते हैं 130 करोड़ के पास पहुंचने वाली है, और सेक्स एजुकेशन की बात करना ही नहीं चाहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सोचने वाली बात है कि हम इस बात ये जागरूकता है कैसे फैलाएं अपने समाज में। तो हम लोग फ्यूचर हैं दोस्तों इस अपने भारत के, तो हम लोगों को इस बारे में सोचना पड़ेगा। आज लोग कम से कम हम तो हमारे दो पर आ पाए हैं, और उस समय तो आप सोच सकते हैं तो क्या हालत होगी। उस समय दोस्तों लोगों के लिए फ्री कॉन्डम दिए जाते थे, लोग अपने बच्चों के लिए बैलून फुलाकर दे देते थे, कहते थे बेटा तुम खेलो हम इससे नहीं खेलेंगे। तो ऐसी कंडीशन थी, आप लोग वो मूवी देख सकते हैं, उसमें काफ़ी ग्राउंड लेवल पर हकीकत दिखाई गई है। और हम लोगों के लिए इस बात पर जागरूक होना पड़ेगा दोस्तों, ओके। अगर हमें देश का विकास करना है तो सारी चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए। और चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही दोस्तों इसमें गडगिल नीति है उसका संबंध चौथी पंचवर्षीय योजना से है। ये इसीलिए चौथी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है कि परवार नियोजन इसमें अपनाया गया। जो गडगिल नीति है ना दोस्तों, वो चौथी पंचवर्षीय योजना है, उसी से इसका संबंध है। साथ में इसी समय दोस्तों 14 बड़ी बैंक था जिनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि जो प्राइवेट बैंकें थी, ये 14 बैंकें प्राइवेट थी, बहुत बड़ी बैंकें थी, इन सभी का राष्ट्रीयकरण करके गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ला दी दोस्तों। और इसी समय ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे आप हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, इसी समय इसी पंचवर्षीय योजना के समय चलाया गया था। इसीलिए चौथी पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध कौन सी पंचवर्षीय योजना से, तो आपको बताना पड़ेगा चौथी पंचवर्षीय योजना से। बफर स्टॉक की पहली बार अवधारणा आई दोस्तों, क्या था, पहले क्या होता था, जब सूखा आ जाता था उस वक्त गवर्नमेंट के पास अनाज नहीं होता था, तो उसने सोचा हम ऐसा बफर स्टॉक बनाएं कि जब हमारे पास विपरीत प्रतिकूल स्थितियां हों तो हम इस बफर स्टॉक का यूज़ करके जो खाद की पूर्ति है उसकी पूर्ति की जा सके, ओके। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें परवार नियोजन, गडगिल नीति और 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ग्रीन रेवोल्यूशन और बफर स्टॉक का संबंध इसी से है दोस्तों, ओके। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है इसका दोस्तों जो ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट मतलब एक खाका होता है दोस्तों, कोई भी नीति बनाई जाती है, कोई भी काम करते हैं तो पहले आप सोचते हैं ना उसके बारे में, एक खाका बनाते हैं कि हमें यहाँ जाना है तो पहले कहाँ जाना पड़ेगा, क्या ले जाना है हमें, तो उसी तरह उसी को ड्राफ्ट बोलते हैं। ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, इसका ड्राफ्ट डीपी धर ने बनाया था, ओके। ये आपको ध्यान रखने की डीपी धर थे, इन्होंने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। और यही तो दोस्तों जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, इसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना है जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया दोस्तों। और ये पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1974 से 79 के बीच में चलाई गई थी दोस्तों, ओके। और इसमें आत्मनिर्भरता की बात की गई कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, कि हम दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, तो इसमें आत्मनिर्भरता की बात की गई दोस्तों की। और इसमें कहा गया कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम क्या है दोस्तों, इसमें कहा गया कम से कम जो हमारी आवश्यकताएं वाली चीज़ें उनकी तो फुलफिल किया जा सके उन्हें, तो इसीलिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया। और इसमें न्यायपूर्ण मजदूरी की बात की गई दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम किसी से
काम करवा रहे हैं और उसे उचित वेतन नहीं दे रहे हैं। तो इसमें उचित वेतन की बात की गई, यानी कि जो बधुआ मजदूरी होती है दोस्तों, उसके खिलाफ इसमें बात की गई। जैसे कि बेगार होता है और बधुआ मजदूरी होता है, उनकी बात की गई कि ऐसा किसी के साथ ना हो भेदभाव। अगर कोई भी काम करता है तो उसे उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। जैसे अगर कोई सेम काम लड़का या लड़की, यानी कि महिलाएं और पुरुष कर रही हैं, तो इसलिए महिलाओं के लिए कम पैसे नहीं मिलने चाहिए कि वो महिलाएं लिंग के आधार पर, अगर उनका काम सेम है तो पैसे भी उन्हें सेम मिलने चाहिए। ओके, और साथ में इसमें कहा गया कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना है। उस समय मुद्रास्फीति काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, तो गवर्नमेंट ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में अनुमान लगाया कि हमें जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन रेट है, उसे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप इन्फ्लेशन रेट के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों हमारी इकोनॉमिक्स की फर्स्ट या सेकंड वीडियो है, वो जाकर के आप देख सकते हैं, हमारी चैनल पे पड़ी है, मैं आई बटन पे वो लगा दूंगा दोस्तों। ओके, तो इन्फ्लेशन क्या है, जब वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निरंतर बढ़ता रहता है तो उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन इसके बहुत ज़्यादा डीप है दोस्तों, वो मैंने इकोनॉमिक्स में समझाया, यहाँ पर हम उसकी बात नहीं करेंगे। और इसमें आर्थिक स्थिरता की बात की गई। आर्थिक स्थिरता का मतलब आप समझते हैं, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि जो भी दोस्तों इसमें उतार चढ़ाव आता है उसकी जगह पर स्टेबिलिटी आई इकॉनमी में। ओके, और इसमें आयात प्रतिस्थापन और निर्यात संवर्धन की बात की गई दोस्तों। इसका क्या मतलब है कि जो हम आयात करते हैं दोस्तों, उसका प्रतिस्थापन करना है, मतलब हमें कम से कम जो हम लोग आयात करते हैं वो कम से कम करें। और निर्यात संवर्धन का मतलब क्या है, जैसे कि अभी हम कच्चा माल दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे निर्यात संवर्धन का मतलब क्या है, जैसे कि हम 100 किलो हम अभी गेहूँ देते हैं दोस्तों। ओके, गेहूँ है, हम इन्हें दूसरे देशों के बेच देते हैं, यानी कि ये क्या हुआ, ये निर्यात हुआ। ओके, लेकिन हम इसकी जगह पे क्या करें, इस गेहूं की जगह पर हम आटा बना के बेचें, इस 100 किलो गेहूं को आटा बना के बेचें, तो हमें इस पर ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हमें ज़्यादा रुपया मिलेगा। तो इसी संवर्धन का मतलब ये है। और इससे भी आगे हम इस आटे को बिस्किट के रूप में बदल के अगर हम दूसरे देशों को बेचेंगे तो हमें और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इससे हमारा लाभ पड़ेगा। तो यही मतलब है कि निर्यात संवर्धन का क्या मतलब है दोस्तों, कि हम डायरेक्ट कच्चा माल ना बेच करके संवर्धित चीज़ें बेचें, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करके उसको बेचें, तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यानी कि 100 केजी बेच के अगर हमें 1000 रुपये की प्राप्ति हो रही है, लेकिन हम उसे बिस्किट के रूप में बदलेंगे और फिर बेचेंगे, तो हम 1000 रुपये उतने 100 किलो से ही कमा सकते हैं दोस्तों। ओके, और इसमें लक्ष्य रखा गया था कि 4.4 हमको लक्ष्य रखना था, और इसमें हमने प्राप्त कितना किया, 4.8% हमने इसमें प्राप्त किया, यानी जितना लक्ष्य रखा था उससे हमें ज़्यादा प्राप्त हुआ। लेकिन अगर बात आती है कि ये सफल रही कि नहीं, तो दोस्तों ये पूर्णतः सफल नहीं रही, आंशिक सफल रही, क्योंकि इसमें और चीज़ें जो रखी गई थी दोस्तों, जैसे गरीबी हटाओ नारा, ये पूरा नहीं हो पाया। आत्मनिर्भरता कहा गया कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, तो ये भी जो हमारा लक्ष्य था ये पूर्ण प्राप्त नहीं हो सका है। इन्फ्लेशन रेट भी उस समय हम कंट्रोल नहीं कर पाए दोस्तों, गरीबी उस टाइम भी बनी रही। इसलिए कहते हैं कि हमने जो लक्ष्य रखा था कि हमारी जो जीडीपी है उसमें वृद्धि होनी चाहिए, वो तो हो गई, लेकिन और जो साथ में और भी चीज़ें थी, जो और भी एजेंडे थे, और भी लक्ष्य थे, उनकी पूर्ति नहीं हो पाई दोस्तों। ओके, और इसी समय क्या हुआ था दोस्तों, इस जो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ हिस्ट्री, इसी समय इसके देखिए आप टाइमलाइन देखिए। सबसे पहले दोस्तों ये टाइमलाइन देखिए, ये 74 से लेकर के 79 तक ये चलनी थी, लेकिन ये एक साल पहले ही इसको ख़त्म कर दिया गया, इस योजना को एक साल पहले ही ख़त्म कर दिया गया, यानी कि ये योजना सिर्फ 4 साल चली थी। ओके, जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी ये सिर्फ 1 साल ही चली थी। इस समय क्या हुआ था, 1977 में जो यहाँ पर बीजेपी नहीं होगा दोस्तों, जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। जो जनता पार्टी की जब सरकार आई तो इन्होंने ये जो एक योजना चल रही थी, पंचवर्षीय योजना चल रही थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करके एक नई छठी योजना प्रारंभ की। ओके, छठी योजना प्रारंभ की, लेकिन क्या हुआ, ये जो जनता पार्टी की सरकार आई ये जल्दी ही गिर गई। जब ये जल्दी ही गिर गई तब दोबारा से जो कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, जो जनता पार्टी ने जो छठवीं योजना प्रारंभ की थी उसे ख़त्म कर दिया।
बोले कि उसे ख़त्म करके और नई पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की, छठी पंचवर्षीय योजना। और इन्होंने कहा कि जो बीच में जो गैप हो गया था, एक साल का जो गैप हो गया, उसे सेकंड योजना अवकाश कहा। तो फर्स्ट योजना अवकाश देखिए, यहाँ पर जब युद्ध व्युद्ध चल रहा था तो तीसरी पंचवर्षीय योजना से पहले एक आया था योजना अवकाश, उसे प्रथम योजना अवकाश बोला गया। और द्वितीय योजना अवकाश कब आया था, जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तब उस समय क्या आया था दोस्तों, एक साल का गैप हो गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच में एक साल का गैप हो गया था, इसे सेकंड योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ओके। और ये योजना थी, और दोस्तों यही योजना अवकाश है, इसे रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। तो रोलिंग प्लान क्या है दोस्तों, ये सेकंड योजना अवकाश है, इसी को रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, यहाँ पर मैंने ये स्टोरी लिखी है, जैसे कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी इसे एक साल पहले ही ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, ये बीजेपी नहीं है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, वरना आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। जनता पार्टी की सरकार आ गई थी तो उन्होंने इसे ख़त्म कर दिया था और छठी योजना प्रारंभ की थी। इस छठी योजना दोस्तों आधारित थी, ये रोलिंग प्लान पर आधारित थी। और इसमें दोस्तों अभी तक क्या था, केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा था, यानी गवर्नमेंट सब कुछ अपने अंडर कर रही थी, जैसे कि जितनी भी उद्योग थे, बैंक थे, उन्हें सब अपने अंडर में ला के कर रही थी। लेकिन इसमें विकेंद्रीकरण करने की बात की गई। विकेंद्रीकरण तो आप जानते हैं कि जो जितना भी दोस्तों विकास हो रहे हैं वो एक जगह ना हो, एक हाथ में ना हो, सभी लोगों का हो। और क्या हो दोस्तों, ऐसा ना हो कि एक सिटी बहुत डेवलप हो जाए और दूसरी जगह बहुत ही जैसे दोस्तों गरीबी रह जाएँ। तो विकेंद्रीकरण का मतलब यही है कि विकास का दोस्तों जो है उसका विस्तार करना, ओके। अब यहाँ पर देखिए प्रतिपादन दोस्तों इसका किसने किया था, जो रोलिंग प्लान है इसको किसने दिया था। तो दोस्तों इसका प्रतिपादन की बात करी जाए तो गुन्नार मडीला थे, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। लेकिन इसको लागू किसने किया, तो लकड़वाला थे दोस्तों, इन्होंने इसे लागू किया। तो ये काफ़ी बार पूछा गया कि जो रोलिंग प्लान है वो किसने दिया, तो इस प्रतिपादन तो दोस्तों गुन्नार ने किया था, लेकिन जो लकड़वाला थे उन्होंने इसको लागू किया था। इम्प्लीमेंट किसने किया, लकड़वाला ने किया दोस्तों, तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं दोस्तों अपनी छठी पंचवर्षीय योजना है उसके तहत, जैसे कि पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच में एक साल का गैप हो गया था, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, इसी एक वर्ष के लिए सेकंड योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। फिर दोबारा से जो गवर्नमेंट थी जनता पार्टी की वो गिर गई, तो पुनः कांग्रेस की सरकार आई, तो उसने फिर से छठी पंचवर्षीय योजना लागू की दोस्तों, ओके। और छठी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों वो 1980 से 85 के बीच में चली थी। अब जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि पहले में देखिए दोस्तों जो गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, लेकिन इसमें गरीबी निवारण को बढ़ावा दिया गया कि गरीबी को हमें हटाना है, इसके लिए कार्यक्रम अधिक से अधिक कार्यक्रम चलाए गए जिससे गरीबी को हटाया जा सके। और साथ में इसमें रोजगार सृजन की बात की गई, क्योंकि रोजगार जब सृजन होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, तभी गरीबी हटाई जा सकती है। और इसी के तहत बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, ये देखिए आप यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखे हैं, ये देख सकते हैं, इतने ही नहीं चलाए गए, बहुत सारे चलाए गए थे, आप जा कर के देख सकते हैं, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है दोस्तों। और इसमें जो आयात निर्यात का मॉडल था वो भी, आगात और निर्गत का मॉडल था वो भी दोस्तों इसमें अपनाया गया। साथ में जो लकड़वाला समिति थी दोस्तों, उन्होंने दोस्तों जो, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, जो गरीबी थी दोस्तों, हम गरीबी कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन गरीब है। अब आज के समय में गरीबी का डेफिनेशन चेंज हो गई, उस समय डेफिनेशन चेंज थी दोस्तों गरीबी। हम आज के समय अगर किसी के पास बाइक है तो उसे भी हम गरीब बोल सकते हैं, लेकिन उस समय अगर किसी के पास बाइक होती उस समय दोस्तों, तो उसके लिए लखपती या फिर बहुत अमीर माना जाता था, तो उस समय डेफिनेशन अलग थी। तो लेकिन उस समय कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन गरीब है, ओके। तो इसके लिए जो लकड़वाला थे दोस्तों, लकड़वाला समिति एक बनी थी, इन्होंने दोस्तों गरीबी के लिए दिशा निर्देश जारी किए कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, हम कैसे मानेंगे। तो इन्होंने कहा जो रूरल एरिया है दोस्तों, यानी कि जो क्षेत्रीय, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति अगर 2400 कैलोरी एक दिन में अगर कंज्यूम करता है, यानी कि लेता है, तो उससे माना जाएगा कि वो गरीब नहीं है। अगर इससे कम करता है तो माना जाएगा कि वो गरीब है। इसी तरह अर्बन क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में माना गया कि जो 2100 कैलोरी से
ज़्यादा अगर कोई कंज्यूम करता है, अगर उसे मिल पाता है भोजन के रूप में इतनी कैलोरी अगर वो दोस्तों प्राप्त कर लेते हैं तो माना जाता है कि वो गरीब नहीं है। लेकिन अगर वो 2100 कैलोरी से कम 2100 कैलोरी से कम अगर भोजन या फिर किसी तरह से एनर्जी ले रहे हैं तो माना जाएगा कि वो गरीब है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो शहर वाले हैं दोस्तों उनके लिए एक कम कैलोरी रखी गई है और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए ज़्यादा कैलोरी रखी गई है। ऐसा क्यों है दोस्तों? ग्रामीण लोग होते हैं वो ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं और जो अर्बन वाले क्षेत्र होते हैं वो ज़्यादातर मानसिक श्रम करते हैं। ओके, तो इसीलिए रूरल क्षेत्र में इसको ज़्यादा रखा गया, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वो सोचते हैं अगर वो अपना दिमाग लगाते हैं कि शहरी क्षेत्र है तो उसके लिए ज़्यादा ही रखा गया होगा क्योंकि शहर में लोग अमीर होते हैं इसलिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो रूरल एरिया है वहाँ पर कैलोरी का जो परसेंटेज है, मात्रा है, क्वांटिटी है वो ज़्यादा रखी गई थी दोस्तों। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, इसमें पहली बार जो छठी पंचवर्षीय योजना थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो छठी पंचवर्षीय योजना थी इसमें प्रथम बार जो इकॉनमी थी उसके आधुनिकीकरण की बात की गई। अभी तक जो इकॉनमी थी उसके आधुनिकीकरण की बात नहीं की गई, इसमें फर्स्ट टाइम छठी पंचवर्षीय योजना में फर्स्ट टाइम इकॉनमी के आधुनिकीकरण की बात की गई। और दोस्तों इसमें जो जब छठी पंचवर्षीय योजना बनाई थी तो इसे लॉन्ग टर्म को देखते हुए बनाई थी। ओके, कि 15 वर्ष को ध्यान में रखती हुई योजना बनाई थी कि 15 वर्ष तक हमें इसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, ऐसे नहीं है शॉर्ट टर्म में हमने सोच लिया कि हमें इतना करना है तो ठीक है। उन्होंने कहा अगर हमें इसे डैम बनाना है तो हमें इससे प्रॉफिट 15 साल के बाद होगा कि नहीं होगा या ये बेकार हो जाएगी योजना, तो इसमें दूर दृष्टि को रख करके ध्यान में रख करके इस योजना को बनाया गया। ओके, और इसमें जो लक्ष्य रखा गया तो वो 5.2 रखा गया लेकिन हमने अचीव किया 5.54। ओके, तो ये भी अपने लक्ष्य को तो प्राप्त की लेकिन अन्य लक्ष्य थे जैसे कि गरीबी हटाओ और सारे लक्ष्य थे उन्हें प्राप्त नहीं कर पाई दोस्तों। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अपनी 7वीं पंचवर्षीय योजना। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1985 से 1990 के बीच में चली थी और इसमें दोस्तों लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की बात की गई। ओके, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हमें लंबे समय को देखते हुए ध्यान में रखते हुए अपने डेवलपमेंट के लिए कार्य करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि हम एक साल के हमने सोचा 1 साल तक हमें विकास करना है और उसी को ध्यान में रखते हुए योजना बनानी है। हमें ऐसी योजनाएं बनानी है जो हमें लंबे समय तक फ़ायदा दे सकें, लाभ दे सकें, तो ऐसी योजनाओं पर हमें पहले कार्य करना चाहिए। और इसमें दोस्तों गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय विषमता होती है उस पर प्रत्यक्ष प्रहार किया गया। ओके, प्रत्यक्ष प्रहार का मतलब क्या? ऐसा नहीं है कि जैसे कि जो गरीब लोग हैं उन्हें डायरेक्ट थोड़े पैसों का आवंटन किया गया था, डायरेक्ट उनके लिए आवास की सुविधा दी गई थी, तो डायरेक्ट का मतलब यही होता है कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम कह रहे हैं कि हम कि रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं तो लोगों के पास पैसा आएगा तो गरीबी हट जाएगी, तो ये हुआ अप्रत्यक्ष प्रहार। प्रत्यक्ष प्रहार क्या हुआ? हमने लोगों के लिए सब्सिडी दी, लोगों के लिए पैसे दिए कि हम लोग आप घर बनाइए, हम पैसे दे रहे हैं, आप पैसे लीजिए, सब्सिडी दे रहे हैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट इसमें चीज़ें दी गई, तो इसीलिए कहते हैं कि इन चीज़ों पर प्रत्यक्ष प्रहार किया गया दोस्तों। ओके, और इसमें तीसरा लक्ष्य रखा गया था कि उत्पादन और रोजगार हैं, उत्पादन और रोजगार हैं उनको हमें बढ़ाना है, अगर ये बढ़ेंगे तभी तो हमारे देश का विकास होगा। आधुनिकीकरण की बात की गई, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें आधुनिकीकरण की बात की गई, लेकिन आधुनिक इकोनॉमिक में आधुनिकीकरण की बात फर्स्ट बार किसमें की गई दोस्तों? 6वीं पंचवर्षीय योजना में। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जो 6वीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें पहली बार इकोनॉमी में फर्स्ट बार आधुनिकीकरण की बात की गई दोस्तों। ओके, और आत्मनिर्भरता तो दोस्तों शुरू से ही चला आ रहा था, इसमें भी आत्मनिर्भरता को रखा गया कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और इसी तरह दोस्तों सामाजिक न्याय की बात की गई, और इसमें 7वीं पंचवर्षीय योजना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, इसमें फर्स्ट टाइम पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिया गया। इस टॉपिक को एक नया जोड़ दिया गया कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इसका संरक्षण करते हुए हमें विकास करना है। तो आपको यहाँ पर देख लेना है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बाद में अच्छा मैं बताऊँगा कि आपको कैसे ये सारी चीज़ें याद रखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं लगाना पड़ेगा कि किस में पर्यावरण पारिस्थितिकी और किस में क्या करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर ही क्या हुआ था दोस्तों, ये टाइम ड्यूरेशन देखिए